करेले के अचार बनाना सिखाऊंगी। देखिए इसमें क्या क्या पड़ता है और कैसे बनाते हैं। इसमें मैंने ये बड़ी सौंफ, जो मतलब सब्जी में आता है इस्तेमाल, वो मैंने ये आपका मैंने 100 ग्राम लिया है। ये मैं जो हूँ 50 ग्राम इसे पीला सरसों लिया है, 10 ग्राम ये जीरा है, 10 ग्राम कलौंजी है और 5 ग्राम मैंने मेथी लिया है। ये सब इसलिए इतना लिया है क्योंकि मैं 250 ग्राम करेले का अचार बनाने जा रही हूँ। इन सबको मैं भून लूँगी, अब भून करके अब मैं पीस लूँगी। देखिए इसको मैंने पीस लिया, ये दरदरा मैंने पीसा है। इसमें मैंने इसी चम्मच से 2 चम्मच लाल मिर्च डाला है, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च डाला है, इससे रंग कलर बहुत सुंदर आता है। और इसी से मैंने हल्दी डाला है 1 चम्मच और इसी से मैंने इसमें हींग भी डाला है। मैंने 250 ग्राम करेला ले रखा, इसको मैं ऐसे दिखाएंगे, जितने करेले सबको मैं ये मैंने छील लिया। फिर क्या करूँगी, इस चक्कू से लेकर के इसको ऐसे मैं काट लूँगी, ऐसे काट दिया है। काटने के बाद जो इसका बीज होता है उसको मैं निकाल दूँगी। ये अचार बहुत अच्छा लगता है और बहुत फ़ायदा भी करता है। मैंने सब अंडे का ये निकाल दिया, बीज जो है मैं इसे निकाल लूँगी। इस तरह से मैं सब करेले को ऐसे ही निकाल लूँगी, ऐसे निकाल लिया है। फिर मैंने क्या किया है कि ये जितना करेला उतना ही मैंने आम छोटा छोटा पीस काट के रख लिया था, रख करके इसके अंदर इसमें नमक और हल्दी लगाया, लगा करके फिर मैंने इसको ऐसे ऐसे जितने करेले थे सबको ऐसे करके देखिए। और इसको हमने एक दिन पूरे धूप में रखा था, एक दिन मैंने इसको पूरे धूप में रखा था। धूप में रखने के बाद इसका देखिए ये कलर कैसा हो गया। देखिए अब मैं क्या करूँगी, खूब दिखाने के बाद इस जो ये मसाला है जो मैंने आम कच्चा भरा था इसको मैं निकाल रही हूँ। ये गल गया है, ये नमक के और आम के होने के कारण ये गल जाता है। अब मैं इसमें मसाला मिलाऊंगी। देखिए अब मैं इसमें सरसों का तेल मिलाऊंगी। फिर मैं इसे ऐसे भर दे रही हूँ। इसी तरह से मैंने सारे करेले को भर रखा है। अब इसी के ऊपर मैं ये डाल के इसको भी मैं 2 दिन धूप दिखा के फिर इसको मैं शीशी में भर दूंगी, भर करके तब मैं फिर दिखाऊंगी। देखिए ये शीशी, इसमें भी मैं थोड़ा हींग डाल देती हूँ। हींग डाल दिया। अब जो करेला मैंने धूप में रखा था मसाला लगा करके इसे मैं रखती जा रही हूँ। रखने के बाद इसको 1-2 दिन और धूप में रखूँगी। जैसे कि करेला मेरा और मुलायम हो जाए। अब इसमें मैं 2 चम्मच नमक डालने जा रही हूँ और इसे ऐसे हिला दीजिए जिससे कि नमक इसके अंदर मिल जाए। देखिए ये मेरा अचार तैयार हो गया। इसे मैं 2 दिन और धूप में रखूंगी, इसके बाद ये आपको खाने के लिए तैयार हो जाएगा।